इंडियन करोड़पति लीग में मेरे साथ इनाम जीतने को तैयार, जिससे पहले कल की मैच का बेहाल। भाई 10 में से 8 मैच जीतने वाले कप्तान संजू बोले ये भी हम जीत लेंगे। पैट कमिंस ने कहा रुको जरा सब्र करो। जब सैमसन कल 0 पे आउट हुए तो रोहित, पंड्या, दुबे और स्काई, इनका रिएक्शन देखने वाला था। क्या बे तुम भी आ गए इसी क्लब में? पूरी सिलेक्टेड टीम गा रही थी अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। एंजॉय मड़ी T20 वर्ल्ड कप की फ्लॉप तैयारी देखी ना फटाफट क्रिकेट लीग में, कि वर्ल्ड कप खुद बोल रहा है खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फटाफट क्रिकेट लीग देखकर लग रहा है कि टीम सिलेक्ट करने में जल्दी हो गई या गलती हो गई। जब से सिलेक्ट हुए हैं दर्द दे रहे हैं सिलेक्टेड प्लेयर्स यार। बर्थडे के दिन लखनऊ के खिलाफ रोहित शर्मा जल्दी निकल लिए और उसके बाद स्काई और पंड्या सोच रहे थे सिलेक्ट होने के बाद परफॉर्म करता कौन है। 6-0 बनाकर ये भी निकल लिए। फिर चेन्नई वाली मैच जो थी उसमें दुबे आते ही आउट और जड्डू का फॉर्म वैसे भी खराब चल रहा है। अर्शी को देख लो, इकोनॉमी ऐसी बड़ी हुई है जैसे कि गार्डन में अनवांटेड ग्रास। इंस्पिरेशन लेकर चहल को देख लो, कल 4 ओवर में 62 रन दे दिए। अब तक फटाफट क्रिकेट लीग का लो प्रोफाइल हाई सक्सेस रेट ये मेंटेन करता हुआ जो कप्तान था संजू, ये 0 पे आउट हुए सिलेक्ट होते ही ये सबको हो क्या गया? तो अब लोग कहते हैं नजर लग गई, मतलब 89 की एवरेज और 176 स्ट्राइक रेट वाले को ड्रॉप करोगी तो ऐसा ही होगा ना। हैदराबाद वर्सेस राजस्थान कल की मैच का बेहाल। हैदराबाद ने सोचा था हमारा वह प्ले हम 6 ओवर के बाद दिखा देंगे, 2 विकेट वैसे भी गिर चुकी थी। पावर प्ले में बने 35 रन, कैन यू बिलीव इट? सोच रहे थे ये फ्रेश पिच का आइडिया किसका था बे, लेकिन फिर नीतीश कुमार एवर रेडी आए, चहल, अश्विन किसी को नहीं छोड़ा, साथ में खड़े थे ट्रेविस हेड। पिच भले स्लो थी लेकिन हेड हो गए धीरे से फास्ट, 44 में 58 रन बना दिए उन्होंने। और ट्रेविस शक्तिमान हेड के आउट होते ही बचा कुचा कारनामा करने के लिए आ गए क्लासिन 19 में 42 रन बनाकर। इतने छक्के तो चहल ने अपनी गेंद पर कभी नहीं खाए होंगे। हैदराबाद ने टारगेट टंगा दिया 202 रन का। कंगाली में आटा गीला, यानी कि बटलर और संजू दोनों ने जो 2 अंडे दिए थे और उनको आउट करने वाले भूवी को देखकर सिलेक्टर्स भी सोच रहे थे नाखून चबाते हुए कि हमने इसको कैसे छोड़ दिया भैया, वर्ल्ड कप में इसको सिलेक्ट करने का था। नहीं उठ रहे थे जिन पर सवाल, ऐसे कमाल और बवाल हमारे जायसवाल। और उनका साथ देते हुए रियान की ओर से दोनों की जो हाफ सेंचुरीज थी, राजस्थान का हाफ से ज्यादा काम तो इन दोनों ने ही कर लिया था। सिलेक्टर्स को चीखते हुए कह रहे थे रियान के, हेलो मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। हेडमायर से जो उम्मीदें थी वो जल्द ही जल गई, लेकिन लास्ट में पवेल और उनके सामने भूवी अयला। पवेल भागते हुए रन लेते हुए धरती पर लमलेट हो गए, मतलब हाथ छिल गया, खून वून आ गया, बस एक बॉल और 2 रन की जरूरत थी। मुझे लगा कि राजस्थान या तो जीत जाएगी या तो सीजन का पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या खून का प्यासा, मतलब तीसरी विकेट का प्यासा भूवी पवेल को LBW कर गया। 4 ओवर में 41 रन देकर 3 बड़ी विकेट चटकाने वाले को फ्लावर समझा, फायर है भूवी, फायर। भूवी को वर्ल्ड कप में नहीं लिया तो ये भूवी ने दिल पे ले लिया। और राजस्थान इज नॉट इन पिंक ऑफ हेल्थ टुडे। हैदराबाद की टॉप 4 में एंट्री हो चुकी है और आज ऊपर से 2 नीचे से 2 की मैच है, मतलब कि मुंबई वर्सेस कोलकाता। और आज मुंबई हारे तो वर्ल्ड कप की पूरी टीम को क्या बदल देना चाहिए, इस पर अपना विचार जरूर से कमेंट करें, मजाक कर रहे हैं। सवाल दूसरा है कि T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें हमारी पहली मैच कब और किसके साथ है? बस इतना गूगल करके कमेंट करें और इनाम में यमी फूड वाउचर्स मैं करूंगी आपके नाम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।